नमस्कार, हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के एगो नया एपिसोड। आज हमारे साथे बाड़ी रीता मिश्रा जी, जे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहल बाड़ी और एशिया कप में भारत के प्रतिनिधित्व कैले हई। आपके बहुत बहुत स्वागत बा। रीता जी इस समय रेलवे में सुपरवाइजर के पद पे कार्य करत हई और यहाँ छोट बच्चन के नर्सरी एगो चलावत है, जैमें उनके हॉकी सिखावेली खाली समय में। तो हम रीता मिश्रा जी से अब बातचीत बतकही हुई। नमस्कार रीता मिश्रा जी, और नमस्कार भैया। आप अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के कुछ अनुभव हमसे बताएं कि कैसे, का वो समय आपके लगत रहल, कैसन दुनिया रहल? हम पास के फर्टिलाइजर के रहे वाला ही, हमारे बाबूजी उजे काम करें, और अनुभव तो बहुत बढ़िया बा। बहुत लंबा समय हमने राष्ट्रीय खेल खातिर देले बनी अपने देश खाती और उत्तर प्रदेश खाती, तो अनुभव बहुत बा, बहुत अच्छा बा कि पूर्वांचल में पहली बार हमने के 89 में पूर्वांचल के हमने के 9 लड़की इंडिया टीम में इकट्ठे हमने के अच्छा, के और देश के प्रेम माया रहली शायद हाँ, में ना प्रेम माया दीदी तो हमसे बड़ है, अच्छा, लेकिन बड़ हमने के 92 के बैच है 90 से, और लगातार 2015 ले सबसे ज्यादा हम ही खेले बने पूर्वांचल के उसमें। हाँ, हॉकी टेस्ट मैच हुआ हाँ, तो वो में जिसमें एशियंस गेम रहे और टेस्ट मैचेस रहे, इंदिरा गोल्ड कप रहे, और लोकल स्तर में अपना रेलवे खाती आज भी हम खेले नहीं और समय देने रेलवे। अरे बहुत बढ़िया बात है। तो आज के समय में हॉकी के का स्थिति बा भारत में, कहें कि देश तक क्रिकेट के दीवाना बा, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल हवे, लेकिन हॉकी नजर नहीं आवे। तो आपके आज के डेट में का स्थिति हॉकी के आपके हिसाब से बा? हाँ, जैसे कि आजकल सबके बहुत ज्यादा क्रिकेट के बहुत ज्यादा लोग शौकीन बा, और लोग लोकल स्तर में भी खाली छोट लड़का अगर खेले लायक हो जाता तो खाली क्रिकेटे लेके दौड़ता, काहे कि घर से ऐसा माहौल मिलता कि खाली क्रिकेट, नहीं तो हमनी के तो हॉकी और कबड्डी ऐसा रहला जो इंडिया के एगो पहचान रहला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और लोग सीखत रहला इंडिया से, लेकिन आज के दौर में जमीन आसमान के फर्क हो गया बा वो खेल में, हॉकी में। और रहा बात खेल के, तो भाई घर से ही शुरू करे पड़ी, यही खातिर तो हमने के अपने खाली समय में हॉकी के और राष्ट्रीय खेल के बढ़ावा देवे खातिर पूर्वांचल में सबसे ज्यादा हम ही समय देनी लेकिन के कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो माहौल मिले कि जो चीज हमने के आज यहाँ पे आपके गोरखपुरी परिवार में अगर बतकही में बैठल बनी तो पहचान हमारे हॉकी से तो बिल्कुल बिल्कुल। तो हॉकी के लड़के खेलत दिखाई नहीं देना कहीं, हमेशा क्रिकेटे क्रिकेट बा, लेकिन अगर बात कर जाए हॉकी के जब से हमन के देखत रहली तो घासी पे होत रहली है, फिर एस्ट्रोटर्फ आ गई, फिर हॉकी के पूरा स्वरूप बदल गई, तो वो आप के नजर में कैसे बदलाव आयल है? बदलाव की ही बात बाकी समय पे एक से एक टेक्निकल आवे लागल हमने के समय में हॉकी ग्रासे पे खेल के आज हमने के इंडिया खेलने बने के, और आजकल कोनो टूर्नामेंट होता तब एस्ट्रोटर्फ पे होता, और पहले से और वो समय से समय में जमीन आसमान के फर्क बा। पहले हर खेल हॉकी के चाहे कोनो टूर्नामेंट होके तो ग्रासे पे होके, लेकिन आज कोनो छोटो टूर्नामेंट होता तो एस्ट्रोटर्फ पे होता है। और आजकल एस्ट्रोटर्फ पे लड़के कुल बच्चे प्रैक्टिस करत हवे ना, जेके लगे सुख सुविधा बा, जैसे झांसी ओसी में बात हो जाए लड़का बच्चा सब लोग खेले ला एस्ट्रोटर्फ पे। अब जैसे गोरखपुर में बात तो वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में बात, अच्छा, तो शहर से काफी दूर बा, आउटर साइड बा, तो जब फर्टिलाइजर के जो हमारे कैंपस के बच्चा कैंप के बच्चा बड़े हैं वो जा जा लें, और सबसे बड़ी सुख सुविधा ये बा कि अगर केहू जाए चाहे तो बुकिंग करके फोन करके अपन ओजा टीम ले जाके प्रैक्टिस दे सकेला। तो हॉकी तो जैसे भारत और पाकिस्तान के पहचान रहल है, खेल रहल है, और इनका बहुत समय ले प्रभुत्व रहल है पूरे विश्व हॉकी में, लेकिन जब से एस्ट्रोटर्फ आयल फिर यूरोपियन हॉकी आयल तब से हमार हॉकी तनी डाउन हो गई। तो एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी और घासी पे जो हॉकी बा उसमें दोनों में का फर्क हुआ? जैसे कि ग्रास पे जो हॉकी खेलल जाला बड़ी आराम से नंगे पैर और अपने सुख सुविधा स्लो चाहे खेलल जा सकेला चाहे आराम से दौड़ल जा सकेला, लेकिन एस्ट्रोटर्फ में ये है कि उसमें फास्ट गेम वन टच मतलब आप धीरे होके ना खेल सके नहीं, आप ओके फास्ट गेम में ओके बोलल जाला। अब जैसे आप कहते नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, तो एक अपने जैसे कि आप जानते हैं ध्यानचंद जब बॉल लेके चले तो विदेश में हल्ला हो गई कितना, वैसे ही आज के समय बाकी आप अगर एस्ट्रोटर्फ पे लेके चले
तो वो गेम अब देखे के ना मिली, कहे कि भाई जो गेम रहा तो हिंदुस्तान में कला जो दिखाए कि अगर एक बॉल लेके आदमी चली तो आदमी देखे जाता रहा कि हाँ हॉकी कितना बढ़िया खेल है। लेकिन आजकल जितना टेक्निकल सुख सुविधा और नियम बदला जाता तो आप एक जगह बॉल लेके ना खेल सके, आप बहुत ज्यादा दूर ले अपन कला ना दिखा सके, आपके बॉल रोके के बाद तुरंत दूसरे के देने का तो ओके बोले जाला वन टेस्ट पर। आप वन टेस्ट में इतना फास्ट हॉकी हो गई बा पहले से आज के कि आप हॉकी लेके आप अपन कलाकारी ना दिखा सके नहीं, लेकिन दिखाए वाला तो भाई अपने दिखेबे करेला ऐसे। तब यूरोपियन जो खिलाड़ी हमें वो हमन के खिलाड़ी से बढ़िया होले हैं कि अपन खिलाड़ी सुविधा न होले की वजह से पछड़ जाता हूँ? ना ना, सुख सुविधा तो भाई हमने से आज के समय में देखल जाए कि इंडिया टीम में आज लड़कियां प्राइज लेके आवतड़ी और हर गेम में मतलब फाइनल तक पहुंचा था, सुख सुविधा तो बहुत बा। और खास करके अब तो विदेशी कोच डॉक्टर, अब जो इंडिया टीम होके चाहे लोकल टीम होके ओकरा खातिर एक कोच मैनेजर ओके जाए के साथ में उनके का खातड़ी का कैसे उठे के बा का पहने के बा का बॉडी मसाज बा का खाए के बा वो बॉडी के हिसाब से पोजीशन के हिसाब से वो लोग के अब डाट जैसे बोल दिया लगे डाइट चार्ट वो हिसाब से आज टीम चलती है। तो पहले में जैसे हमने खाइले पिएले के लेकिन अब हाँ जैसे कि मान लो कि हमने के रही तो पेपर में समझाओ कि तुम कहाँ पीछे गई आगे गई, अब आजकल है कि भाई रिकॉर्डिंग हो जा रहा है और वो जब मीटिंग होता तो मैं दिखावल जाता हाँ। कि भाई आपने ये गलती किया वो गलती किया, तो उस हिसाब से बहुत सुधार बा हॉकी में। तो आज के डेट में अपने तरफ के हिंदी पट्टी के जैसे गोरखपुर का गढ़ रहा है तो यहाँ के कुछ लेके लेके खेला था मैं बाहर हाँ की? अभी दुबे लड़की हॉकी में जो इंडिया टीम में प्रेजेंट है मैं फिर से वापसी भेल बा, हमने के समय में तो कम उत्तर प्रदेश के तो 15-10 लड़की हाँ, हमेशा रहे इंडिया टीम में और अब वो बड़ी तो गिना चुला कहे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। हमने के समय में घर परिवार से भी उतना नहीं होते रहे कि भाई लड़की है कहाँ जाइए खेले, आजकल तो माँ बाप टीवी में देख के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के में भी बहुत लोग लड़का लड़की में बहुत अब माँ बाप तो खुद ही अब लेके ग्राउंड में जाता कि भाई हमारा लड़की कहाँ तक खेली कैसन खेली समय पे ले जालो समय पे ले, हमने के समय में इतना सुख सुविधा नहीं रहे कि चोरी छिपे आदमी जाए एहने से जाए तो होने से आवे ए टाइप से रहे, लेकिन आजकल तो माँ बाप बहुत एक्टिव हो गए इतना टेक्निकल सब टीवी चैनल पेपर कि माँ बाप बहुत एक्टिव हो गए उनके पता चल गए बा कि स्पोर्ट्सो अपने जीवन में अपनावे लायक बा करियर हाँ करियर बन सके हाँ। क्रिकेट के तो दीवाना हमें लोग पहले तो गिना चुना एक दो जगह रहे लेकिन हर जगह बहुत अच्छा अच्छा एकेडमी बचा है तो अपने लड़का के ओमे एडमिशन दे सकेला खेल सकेला। और हॉकी ऐसा राष्ट्रीय खेल बा कि हर विभाग में टीम बा, पहले हमने के समय में एक एयर इंडिया रहे एक बैंक रहे और एक रेलवे रहे, लेकिन आजकल तो SSB हो गई UP पुलिस हो गई अच्छी अच्छी कंपनियां भी अपना अपना टीम बना होता रही तो अच्छा बा सबके परिवार के हम तो कहम कि भाई बच्चन के खेले के देने के चाहिए। अब अगर कोनो बच्चा के हॉकी के करियर बनावे के होके तो कैसे शुरुआत करे कहाँ जाए किसे पूछे बताइए? जैसे कि मान ली कि हॉकी है तो ओकरा खातिर तो बहुत स्टेमिनर चाहिए, कहे कि टीम ग्रुप 11 लोग के खेलल जाला और ओमे टीम ग्रुप के है तो लड़का के बच्चा के बॉडी मूवमेंट से पता करे के पड़े कि हाँ वाकई में ये दौड़ सके ना या इतना घंटा समय दे, तो बॉडी मूवमेंट से पता चली कि लड़का के कि भाई हॉकी खेल पाई है कि ना, कहे कि लगातार एकदम ओमे दौड़े के रहला खड़ा होके तो इंडिविजुअल गेम तो है ना टीम ग्रुप है तो ओकरा खातिर भाई आप देख ली कि लड़का इंटरेस्टेड बा तो ओकरा खातिर हमारे फर्टिलाइजर में एकेडमी बा। अच्छा आपके एकेडमी जे कि हमारे गुरु मोहम्मद इमरान गुरु अच्छा, अच्छा। आज भी ट्रेनिंग सेंटर चलत हो जा चाहे तो अगर आसपास हमरे उन्ने के क्षेत्र मेडिकल या राप्ती नगर के बच्चा होके तो आप वहाँ आ सके नहीं शहर के भी चाहे तो मेहनत करके जा सके नहीं हो जा फर्टिलाइजर। और ओकरे अलावा पहले जार्ज इस्लामिया में बड़ा खेलत रहने लोग आजकल नहीं दिखाई देता? हाँ बहुत अब तो कॉम्पिटिशन हो गए हर जगह बा, लेकिन हमरे ओजा जहाँ हमरे ग्राउंड के पूरा रिकॉर्ड बा की 85 नेशनल और 10 इंटरनेशनल मतलब खेल बच्चे वहाँ पे निकले हैं। जो हॉकी गुरु का जो इस समय जो बच्चों का सिखाने का नजरिया है वो उस समय वो मेरे गुरु ध्यानचंद
जी के साथ उनके शिष्य रहे हैं, तो उनको बेसिक जो हॉकी उनके पास है, हमको नहीं लगता कि ये पूरा उत्तर प्रदेश में होगा, या हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि इंडिया में, क्योंकि हम लोग करीब 89 में शुरू किया और 92 तक हम लोग इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया और बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन भी किया हम लोग, जिसमें मेरा एशियंस गेम्स में प्लेस भी आया है। अरे वाह। तो जैसे मिश्रा जी, क्रिकेट में देखल जाता कि बहुत बढ़न बढ़न कंपनी बाड़ी कुल और प्रायोजित करते ही करोड़ों रुपया बरसाता, तो एक हॉकी खिलाड़ी की दृष्टि से आप का सोचल बाकी हॉकी के साथ का होके के चाहे, कहीं सौतेला व्यवहार तो ना ही होता देसी में? हाँ, सौतेला व्यवहार तो ना कहल जाए, लेकिन ये बाकी जैसे शुरुआत बा क्रिकेट के, तो हम पूर्वांचल के लोगन के और बड़े बड़े लोगन के कहें कि भाई आप आई और एक ऐसा टूर्नामेंट कराएं जो पूर्वांचल में एक नाम होके, और जिनमें अच्छा अच्छा प्लेयर जो बने अपने अपने जगह में पूरे उत्तर प्रदेश में, वो आवे एक जगह उन्हों के कम से कम हॉकी में बोली लगे, ताकि वो अपने गेम के एक बार आप शुरुआत तो हो उत्तर प्रदेश में, देश के स्तर पे होके कि हाँ, जैसे आईपीएल होता है। हाँ, तो भाई वैसे वो होके और... अगर उत्तर प्रदेश की टीम बनने के बाद तो कम से कम वो तो खेलते बड़े, इंडिया टीम से खेला था ना, अपने डिपार्टमेंट से खेला था, लेकिन एक बार आप आई और एक बड़ा आयोजन करी ताकि राष्ट्रीय खेल के बचावल जा सके, और जो क्रिकेट में सबके रुझान बा वो कम से कम हॉकी में सबके आवे लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हॉकी के बचाव खातिर हम तो यही कहा। अच्छा, पूरे देश में जैसे कोनो क्रिकेट में तो तमाम टूर्नामेंट हो रहे हैं, दिलीप ट्रॉफी बा, रणजी ट्रॉफी बा, तो हॉकी में कोनो ऐसा टूर्नामेंट होला देश में का? हाँ, देश में जैसे कि अब हॉकी के तो फेडरेशन जो हमने हॉकी फेडरेशन बा उनके द्वारा समय समय पे जूनियर जूनियर टूर्नामेंट या सीनियर टूर्नामेंट, सीनियर नेशनल जूनियर नेशनल स्कूल गेम्स होला समय समय पे, लेकिन अगर कोई अगर प्राइज मनी करावल चाहे तो बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे तो एक टीम बना के अपना प्राइज मनी के तौर पे एक अच्छा टूर्नामेंट भी दियल जा सकेला, करावल जा सकेला उत्तर प्रदेश में। तो हॉकी फेडरेशन सरकारी? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार से होला, जेमे जिनके निखे जानकारी तो हम बता दी बतकही के माध्यम से कि अगर आपके लड़का अगर हॉकी खेलता है स्टार्टिंग में तो ओकर पूरा जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार लेला, उनके पढ़ैले के रखले के उनके ग्रेजुएशन तक और खेल तक पूरा जिम्मेदारी सरकार ले ले। अच्छा। और ओकर एडमिशन जून जुलाई में होला रीजनल स्टेडियम ओकर, हाँ ओकरा खातिर ऑनलाइन फॉर्म भरल जाला, जेमे लड़का अगर हॉकी अपने स्कूल गेम खेलता ने या आस पास अपने एकेडमी से खेलता ने तो ट्रायल दे सके ने। हाँ, और ट्रायल देख के वो में अपने हॉकी में एडमिशन ले सके ने। ओकर सरकार पूरा व्यवस्था? हाँ, ओकर पूरा सरकार दे ले। और आजकल के ए सरकार में खेलो इंडिया के अंतर्गत अच्छा, अच्छा, और प्राइज मनी अच्छा प्राइज जिसमें अहिल्या बाई पुरस्कार है, लक्ष्मी बाई पुरस्कार है, बहुत अच्छा अच्छा पुरस्कारों मिला था जे मतलब नेशनल इंटरनेशनल वो हिसाब से प्राइजो मतलब मिला था सबके। हॉकी के भविष्य आपके उज्जवल लगातार? हाँ, उज्जवल बा, लेकिन अभी बहुत तो में काम बाकी बा और हमनी के तो जाना था नहीं जमीनी स्तर से कैसे क्या करेगा बा। मेन सुख सुविधा के अनुसार लेकिन जो हॉकी बहुत मीडियम परिवार के ही खेलल जाला, बहुत ज्यादा ना कहूँ कि बड़ परिवार के तो लड़का सब क्रिकेटे खेले ना, मीडियम परिवार के लड़का जब खेले ना तो उनके बहुत मुश्किल होला ग्राउंड पे, अगर आ गए तो उनको संभालना बड़ी मुश्किल है, कहें कि हर हॉकी ना रही तो जूता ना रही, जूता रही तो हॉकी ना रही, तो ये सब के बहुत हमनी के जूझे के पड़ेला। तो हम तो ये कहम कि भाई जो उत्तर प्रदेश सरकार जैसे दे ले भाई बढ़ावा के दे, सरकार के कुछ और करे के चाहिए, और बड़े लेवल पे करे के चाहिए, बड़े बड़े टूर्नामेंट करा के चाहिए ताकि सबके पूरा हिंदुस्तान में डंका बाजे उत्तर प्रदेश उद्योग जगत पे के भी सामने आवे के चाहिए, आवे के चाहिए। जैसे क्रिकेट के बढ़ावा प्राइज कभी कभी देखे नहीं कि क्रिकेट का बोली लगने वाले है तो उसमें हॉकी के लगावे हम लोग बानी करे खाती, बस हमने के तो एक जरिया चाहे के हुआ आवे और अच्छा टूर्नामेंट करावे हमने के सब संभाल लिया जाये। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही भाई आपसे। अभी आप देखत रहनी रीता मिश्रा जी से एक बात कही, और बत कही के ये एपिसोड आपके कैसन लगल जरूर बताई, एक शेयर करें, सब्सक्राइब करें या लाइक करें, और भोजपुरी के संवर्धन के खातिर हमन के जो प्रयास बा वो में हमन के सहयोग करें। सबके बहुत बहुत नमस्कार।
Thank you.